राज कभी से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। 9 से 9:30, 9:30 से 9:45, 10 पे 10 कम, 10 पे 5 कम, 10 पे 3 कम, 10 पे 2 कम, 10 पे 1 कम। वो कपड़ा पहन के प्लीज कम ना यार। अच्छा सुनो, तुमने कपड़े पहने हैं कि नहीं? आई मीन वो वाले कपड़े पहने कि नहीं जो मैंने तुमको दिए थे? हाँ, मैंने वो ड्रेस पहन लिया। पहन लिया? कैसी लग रही है तुम कपड़ों में? देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। नो, मैं तो होश उड़ाने के लिए तैयार बैठा हूँ, जमीन पे गिरने के लिए तैयार हूँ। अब आगे आगे देखो तुम कहाँ कहाँ से गिरते हो। ये डायलॉग कुछ ठीक नहीं लगा। क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। मेरा मतलब है कि कमरा नंबर 2072। ओके, 207। मगर तुम्हारा कमरा नंबर तो 2073 था ना यार। ऐसी मुलाकातों के लिए कमरे बदल दिए जाते हैं। ओह वाओ, रोमांस विद इंटेलिजेंस। I'm coming baby, I'm coming, come. Come baby, come. Your husband is coming. Raj, you're gone. Hello. Your wife is ready. And she's looking like Hawaiian beauty. Oh, I'm coming. Come baby, come. मगर ये तो अंधेरे में मिलना चाह रही है। ऐ मदमस्त जवानी, ऐ खूबसूरती की रानी, मलिकाए हुस्न, अजंता की मूरत, क्या कहूं कि तू है कितनी खूबसूरत। डार्लिंग, हाय डार्लिंग, दो चॉकलेट के दिए, तुम्हारा तो टोटल साइज ही चेंज हो गया। चिकन मसाला हो चले, होश चले मिशले। हाय चिकन मकला हो, लो मई चिकन मगलो लो, लोहो मई। डार्लिंग तुम्हारी ये मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। लाइट्स ऑफ। ऐ मेरी हुस्न, 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 अरे हुस्न, हुस्न, ऐ हुस्न, 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 नाला वाला हुकाशी, ठीक है बगला, होगले बगला, होगले बगला, हो हाँ, हो या, नाला वाला हुकाशी, ठीक है बगला, होगले, हो, ए, हो हाई, हो, ए, ए, हो आई यू, एंड हु इज शी, हाँ भाई मिस्टेक, हाँ, हेलो, तरीका नहीं है क्या? हाँ, इंसानियत नाम की चीज नहीं रही है। अरे आदमी की कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ? ये क्या है साला, गलती नहीं होती है क्या आदमी से? बात करता है साला काला सांड, पता नहीं अफ्रीका के कौन से जंगल से आया है, और उसकी वो काली बीवी घनघोर काली मिर्ची, दोनों कालों ने मिलके एक गोली के चक्कर में कितना मारा है मुझको। एक्चुअली सारा सिस्टम ही खराब है, सारा मारने का कोई सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। अरे यार इधर मार रहे हो उधर मारो, इधर नहीं मार रहे हो उधर क्यों मार रहे हो, सारा कोई सिस्टम होना चाहिए। अरे मेरा बस चला तो ऐसी धुलाई बैन करवा दूं। हाय हाय हाय, अरे वो वाला हाय नहीं बोल रहा, कौन तू? तुझे तो मैं माफ नहीं करूंगा साली। क्यों? ऐसे काले सांड के चक्कर में अटकाया, तुझे तो मैं बताऊंगा, बताऊंगा नहीं पटाऊंगा। हाँ।
How are you? दूसरा? Come on, let's go. काम. कितनी गंदगी है दुनिया में. संजय मैं आ रहा हूँ. Phone. Phone. Excuse me. Can I make the call? Hello. No. अबे तेरी पत्नी है कि पटाटे वड़े की चटनी है? जिस तरह से चटनी हर थाली में बटती रहती है, हर पटाटे वड़े को पटती रहती है, उस तरह से तुम्हारी पत्नी का हर स्टेशन पे बॉयफ्रेंड है यार। ये मेरी पत्नी की रिपोर्ट नहीं है, ये संजय साहब की रिपोर्ट है। मैं तो डर गया यार। अबे तू फिर आ गया कबाब में हड्डी? मैं हड्डी नहीं हूँ, हड्डा हूँ। अपने डैडी का डड्डा हूँ, डिवोर्स कराने का अड्डा हूँ। एक बहुत बड़ा खड्डा है तू, एक फटा हुआ चड्डा है तू। मुखड़े का अंतरा बन गया, डड्डा खड्डा चड्डा फड्डा। वेरी गुड यार, आपको मेरी तरह शेर शायरी का शौक है। तू संजय को फोन देता है कि नहीं? आप मुझे मैसेज दीजिए, मैं पहुंचा दूंगा। मैं बीच वालों से बात नहीं करता। ए, मैं बीच वाला नहीं हूँ। मेरी मोटी सी बीवी है, पतले पतले 11 बच्चे हैं, 12वीं की तैयारी है। हे मैन, तू संजय को फोन देता है कि मैं फोन पे डिकार मारूं? ए, मुंह से मार देता हूँ। आई थिंक एवरीबॉडी सर, अर्जेंट कॉल सर फ्रॉम यूरोप, प्लीज टेक अ सर। या व्हाट इज दिस कैरी? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम? ओ सर, लाइन इज डिस्टर्ब फ्रॉम यूरोप। राज, कम ऑन। राज? राज? हाँ राज। हेलो संजय। अरे यार, तेरी पत्नी का दूसरा बॉयफ्रेंड भी है। कैरी, दूसरा बॉयफ्रेंड भी? हो, शी इज वेरी टैलेंटेड। भाभी की तारीफ करनी चाहिए। एक हस्बैंड, दो दो बॉयफ्रेंड। ओ माय गॉड। ए, है तुम्हारी औरतों में इतनी ताकत? कैरी, कहीं हमारी बातें समझ तो नहीं रहे होंगे? अरे ये अंग्रेजी ठीक तरीके से बोल नहीं पाते, हिंदी क्या समझेंगे? एवर राइट सर? देखा? हेलो राज, राज, ये उसने आगे क्या किया? क्या किया? इस बॉयफ्रेंड को उसने पहले से भी ज्यादा लिफ्ट दिया और पहले से भी ज्यादा बड़ा गिफ्ट दिया। गिफ्ट? क्या गिफ्ट दिया? आई थिंक टीवी दिया। मेरी बीवी ने टीवी दिया? ओह फैंटास्टिक। पहले वाले को टेप रिकॉर्डर, दूसरे को टीवी, अब तीसरे को देगी कार। क्या करोगे सरकार? यू शट अप। अरे तू क्यों मेरी पत्नी के कारनामों को सुना के मेरा दिल जला रहा है? अरे मुझे प्रूफ चाहिए। पिछले बार तो प्रूफ लाने में फेल हो गया था, इस बार फेल हो गया तो अपने नीम ख्यारी का मुंह खाला कर देना। आप लोगों के समझ में कुछ आया? आई मीन, डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? Yeah. 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 What? His wife, boyfriends, TV, tape recorder, and gifts. ये सब समझ गए। इनका बेड़ा कर रखो। भाई दास, भाई चौधरी साहब, इधर आओ। ओ क्या हो गया पाल? ये देखो। ये मसाज पार्लर है। हाँ, टिकली। ओ भाई दास भाई, मेरे को तो बोर्ड देखकर ही ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 अंग्रेज लड़कियां है ना मेरे बदन को दबा रही है, मेरे को मजा आ रहा है। अरे साई, मैं तो फॉरेन घूमने के बहाने इधर इंग्लिश मसाज कराने आया नहीं। तो मैं भी तो गोरे लोगों के हाथों अपना बदन दबवा नहीं आया था। तो मेरे कैरेक्टर के बारे में तो आप भाभी जी से पूछ सकते हो। तो चले अंदर। लेकिन अगर बीवियों को पता चला तो? यार, अरे साई, एक बार अंदर जाएगा नहीं तो लाइफ ऐसी चेंज हो जाएगी, दोनों लोग वाइफ को भूल जाएगा। कोई गड़बड़ होगी ना तो मेरी जवाबदारी। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। वाह, मसाज पार्लर। तीनों गए अंदर। याद है कि रेशम का गोला है यार, ऐसे फिसलता है कि मजा आ रहा है यार। ओ भाई दास भाई, मैं अगर अपनी पत्नी की तारीफ करूं तो आप सुनने के मूड में है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ओ, आपने जंगल में कभी हथनी देखी है? नहीं देखी। ओ, आप मेरे घर पे आइएगा, मेरी पत्नी को देखिएगा, एकदम हथनी लगती है। मैं मेरी पत्नी की तारीफ करूं? हाँ जरूर। आपने कभी भूतनी देखी है? सफेद भूतनी? नहीं भाई, चांस तो नहीं लगा कभी। मेरी पत्नी अगर अपने सारे बाल खोल दे तो सफेद भूतनी दिखती है। ओ भाई दास भाई, मेरी भाभी के बारे में तो ऐसी बात मत कीजिए प्लीज। अरे चौधरी साहब, मैंने कान और फ्यूज उड़ा हुआ है, वहाँ अपना बल्ब लगाने की कोशिश मत कीजिए। ओ बल्ब को छोड़िए, मेरा तो गाना गाने का दिल कर रहा है। चौधरी साहब, चिंगारी, ये फॉरेन में आकर लगता है कि साली हमारी शादी बहुत जल्दी हो। सावन आग, ओ बंद क्यों कर दिया जी? अरे चलाओ भाई, क्यों मालिश बंद कर दी? चलाओ कि आप दोनों ने ऐसे ही मारना चाहिए, देखते हुए मेरे जैसे शरीफ पति को सटाएंगे नहीं। हाँ, वैसे आपकी पत्नी यहाँ आने वाली नहीं। वो तो शॉपिंग के लिए गई है। पर डोंट वरी, हमने उसे बता दिया है कि तुम्हारा पति भी मसाज पार्लर पे गया है। तो उसने कहा पहले तो तुम अच्छी तरह अपने पतियों को पीट लेना, लेकिन उसके बाद मेरे पति को भी शिकायत का मौका मत देना। क्या मतलब? मतलब